स्टूडेंट, आज असी पढ़ांगे चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परिवर्तन अते अपवर्तन बारे। इस अध्याय नूं असी दो हिस्सों च पढ़ांगे, पहले प्रकाश का परिवर्तन अते दूजे हिस्से च प्रकाश के अपवर्तन बारे पढ़ांगे। तो पहले हिस्से च असी पढ़ांगे प्रकाश की है, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब अते समतल दर्पण फॉर्मूला बारे। तो चलो देखते हैं प्रकाश। प्रकाश की है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिहड़ा सानू वस्तुआं देखण दे योग बनांदा है। याद रखो बच्चों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा विच चलदा है। प्रकाश नू चलण लई किसी माध्यम की जरूरत नहीं होंदी है। प्रकाश की खला मतलब वैक्यूम विच चाल अते हवा विच चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सैकेंड होंदी है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुआ की छाया बनांदा है। प्रकाश का परिवर्तन नू समझण तो पहला असी इस रे डायग्राम नू समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इदे विच ए समतल सतह है, ए अपाती किरण है जिहड़ी सोर्स ऑफ लाइट तो आ रही है, ओ जिहड़ा हैगा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु ओ बिंदु है समतल सतह उत्ते जिथे अपाती किरण जां फिर आपतित किरण पैंदी है। ते पैण तो बाद ओ किसी दूजी दिशा च मुड़ जांदी है। इसनों असी परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतन बिंदु ते खिचे अभिलंब नू या लंब नू या समकोण नू अभिलंब कहा जाता है। तो आपतित किरण अते अभिलंब विच विचकार बने कोण नू आपतन कोण कहा जाता है। तो परावर्तित किरण अते अभिलंब विचकार बने कोण नू परावर्तन कोण कहा जाता है। उस तो बाद है जी कि प्रकाश का परिवर्तन है क्या। प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा, जदों प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह पर पैंदा है तो पैण तो बाद उसी माध्यम च मुड़ जाण नूं प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। पहला है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण दे बराबर हुंदा है। आपतन कोण कोण आई ते परावर्तन कोण कोण आ। ते दूजा है आपतित किरण या अपाती किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल उते हुंदे हैं। इस तों बाद है जी समतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब बारे कि समतल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। पहला जी समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा आभासी अते सीधा होता है जी। दूजे नंबर ते प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जिन्नी आकार की वस्तु होएगी उन्ने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। नैक्सट है जी प्रतिबिंब परदे के पिछे उन्नी दूरी पर बनता है जिन्नी दूरी ते वस्तु परदे दे अगे रखी गई है। जिस तरह चित्र च देख पा रहे हो ना, जेकर वस्तु समतल दर्पण ते 5 सेंटीमीटर अगे रखी हुई है तो उदा प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर परदे दे पिछे जाके बनता है। उस तो बाद है जी प्रतिबिंब पासवा परिवर्तन यानी कि लेटरल इनवर्सन होंदा है। प्रतिबिंब जिहड़ा है ओ वस्तु दा सज्जे हाथ का खब्बा, खब्बे हाथ का सज्जा नजर आ। हुण असीं पढ़ांगे गोलाकार दर्पण बारे। गोलाकार दर्पण की है? सब तो पहला असीं इहदी बणतर बारे पढ़ते हैं, समझण की कोशिश करते हैं कि गोलाकार दर्पण किस तरह बने होंगे। जिस तरह कि इहदे नां च लिखा होया गोलाकार दर्पण, ये एक कच्च दे बॉल तो तैयार किए जाते हैं। जिस तरह तुम देखो
जेकर ये एक कच की बॉल है जिहदा केंद्र है सी, जेकर इस कच की बॉल नूं असीं दो सिरां ते एक्स वाई इहनूं इत्थों असीं कट दईए ते इहदी जिहड़ी सज्जे पासे आ बाहरली सतह है उन्हों जेकर असी पॉलिश करते हाँ तो सानू मिलता है एक दर्पण, उदा नाम है जी अवतल दर्पण। उसी तरह जेकर उसी कच दे गोले नू या बॉल नू असी इत्थों कटते हाँ एक्स डैश वाई डैश इन हम सज्जे पासे कटांगे तो यदि भी राइट साइड वाली सतह में जेकर असी पॉलिश करते हैं तो साढ़े को एक होर दर्पण मिलता है उसका नाम है जी उत्तल दर्पण। बच्चों तुसी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी तुसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का चित्र बनाओगे उदी जिहड़ी पॉलिश की हुई सतह है वह हमेशा राइट साइड दे विच ही रखनी है। जेकर तुसी उन्हों उल्टा करके रखते हो तो तुहाडा जिहड़ा अगे जाके जिहड़ा असी रेखा चित्र बनावांगे प्रतिबिंबा दे वह गलत बनणगे। हमें तो चलो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण मतलब गोलाकार दर्पण दो प्रकार दे हैं, एक अवतल और दूजा उत्तल दर्पण। इन्हां बारे कुछ टर्मोलॉजी है उदे बारे असीं कुछ पढ़ते हैं जी। सब तो पहले तुसी देख पा रहे हो एक कच दी गोलाकार बॉल सी ते उहदा केंद्र सी सी। उस कच दी बॉल नूं असीं क्या बना लिया हुण अवतल दर्पण ते अवतल दर्पण दा जिहड़ा ए केंद्र है इहनूं बोलांगे असीं वक्रता केंद्र, इहनूं सी नाल डोनेट किया जाता है। तो जिहड़ा अवतल दर्पण दा जिहड़ा ये वाला हिस्सा है एक्स वाई इहनूं बोलदे हां असीं द्वारक या फिर अपरचर। ये जिहड़ा द्वारक है इहदी बाहर वाली सतह या सज्जे पासे दी सतह पॉलिश हुंदी है जबकि खब्बे साइड वाली जिहड़ी सतह है वह परावर्तक सतह होंदी है मतलब उहदे च प्रकाश का परावर्तन हुंदा है। तो जिहड़ा द्वारक है इहदा जिहड़ा मध्य बिंदु है मध्य बिंदु उहनू कहिंदे हैं ध्रुव या पोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा वक्रता केंद्र अते पोल नूं जिहड़ी रेखा आपस जोड़दी है उहनू कहिंदे हैं मुख धुरा। याद रखो जिहड़ा वक्रता केंद्र और पोल दी जिहड़ी रेखा है उस रेखा नूं कहिंदे हैं मुख धुरा। तो वक्रता केंद्र और पोल दी जिहड़ी दूरी है उहनू कहिंदे हैं वक्रता अर्ध व्यास, उहनू असीं आर नाल लिखदे हैं कैपिटल आर दे नाल। अगे चलते हैं जी आ रेखा चित्र देखो तुसी इहदे च अवतल दर्पण है और सीपी जिहड़ी रेखा है उहनू की कहिंदे असीं मुख धुरा। जेकर दर्पण दे मुख धुरे दे समानांतर कोई प्रकाश दी किरण दर्पण नूं या दर्पण उत्ते पैंदी है तां परिवर्तित हो के वह जिस बिंदु ते लंघदी है वह बिंदु मुख धुरे दे उत्ते ही है उसनूं असीं मुख फोकस कहिंदे हां, उसनूं कैपिटल एफ दे नाल लिखिया जांदा है। पी और एफ दे विचकार दी जिहड़ी दूरी है उहनूं फोकस दूरी कहा जांदा है। उस फोकस दूरी नूं असीं स्मॉल एफ नाल डिनोट करदे हां।
और ये जिहड़ा मुख फोकस है ये अर्ध व्यास का मध्य बिंदु होंदा जी। इहदा मतलब है कि एफ बराबर है आर बटा दो। मान लो आर क्या है, ये दूरी है जी आर। मान लो आर इतने 10 सेंटीमीटर है तो जी एफ है वो कितनी आएगी जी, 10/2 बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो इतने फार्मूला जी आर बराबर है 2F। नेक्स्ट है जी गोलाकार दर्पणा द्वारा प्रतिबिंबा का बनना या बनाना। सब तो पहला असी गल करते हैं अवतल दर्पण बारे। सानू किस तरह पता चलेगा कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, वड्डे हैं छोटे हैं या बराबर आकार के हैं। प्रतिबिंबा की जिहड़ी स्थिति है वो निर्भर करती है वस्तु की स्थिति उपर कि वह अनंत है, सी उत्ते है, सी और एफ दे विचकार है, एफ उत्ते है जां एफ और पी दे विचकार है। प्रतिबिंबा दे रेखा चित्र बनाने तो पहला सानू कुछ रेखा किरणा दे निजमां बारे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी। पहला है जी सी पी क्या है जी, मुख धुरा। जदों प्रकाश की कोई समानांतर किरण मुख धुरे दे समानांतर होंदी है तो परावर्तित होकर हमेशा मुख फोकस तो लंघती है। इसी तरह उत्तल दर्पण दे विच भी होएगा जी, क्योंकि यदि अंदरली सतह जी है वो पॉलिश होंदी है, क्योंकि यदा जिहड़ा मुख धुरा है वो ये है। मुख धुरे दे समानांतर प्रकाश की किरण है पैन के बाद इस दिशा के विच परिवर्तित हो जाएगी, परंतु जब असी इनू रिट्रेस करांगे तो ये भी मुख फोकस तो परिवर्तित होंदी हुई प्रतीत होंदी है। दूसरा नियम है जी जेकर प्रकाश की किरण मुख फोकस चो लंघती है तो परिवर्तित होने तो बाद मुख धुरे दे समानांतर हो जाती है या रहती है। तीसरा नियम है जेकर प्रकाश की किरण सी तो लंघती है तो परिवर्तित होने के बाद उसी पथ विच वापस मुड़ जाती है। मतलब जेकर सी तो लंघती है परिवर्तित होने के बाद वापस उसी दिशा विच मुड़ जाती है। तो चौथा नियम है जी जेकर प्रकाश की किरण पी उत्ते पैंदी है तो परिवर्तित होने तो बाद ये प्रकाश के निजम आपाती कोण बराबर है परिवर्तित कोण का अनुसरण करती है। नैक्सट है जी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। इस तो पहला ये असी रेखा चित्र बनाइए, एक सारणी इतने बनाई हुई है असी इहदे बारे तुहानूं थोड़ी जी जानकारी दिंदा मैं। सब तो लिखा बिंदु की स्थिति, बिंदु तो भाव है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब किस बिंदु पर जाके बनना है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है छोटा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति है प्रतिबिंब का नेचर कि वास्तविक है आभासी है उल्टा है सीधा है। तो सब तो पहला है बिंदु की स्थिति अनंत उत्ते है, अनंत का मतलब है इनफिनिट बहुत ज़्यादा दूर है। दर्पण केड़ा है जी अवतल दर्पण है, तो बनाने वास्ते प्रतिबिंब कितने बनेगा
पोल है, मुख फोकस अनंत उत्ते है, प्रतिबिंब सॉरी वस्तु जड़ी है अनंत उत्ते है। तो सानू पता ही है कि जेड़ा पहला नियम है वो ये है, जेकर मुख धुरे ते समानांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण उत्ते पैंदी है तो परिवर्तित होके हमेशा मुख फोकस चो लंघदी है। और सानू ये भी पता है कि जदों दो परावर्तित किरण आपस दे विच कटदियां हैं या मिलदियां हैं उसी बिंदु उत्ते प्रतिबिंब बनता है। तो इत्थे दो परावर्तित किरणां है जी, दोनों कित्थे मिल रही हैं जाके एफ उत्ते, तो एफ ते क्या बन रहा है प्रतिबिंब, अनंत उत्ते वस्तु रखी हुई है उदा प्रतिबिंब बन रहा है एफ उत्ते। प्रतिबिंब का आकार के है बिंदु आकार का है, वस्तु छोटा बिंदु आकार का होएगा, बहुत छोटा अते बिंदु आकार का होएगा, वास्तविक अते उल्टा होएगा जी। जेड़ा भी प्रतिबिंब पर्दे दे सामने बनता है याद रखो वो हमेशा वास्तविक होता है, जेकर वास्तविक है तो हमेशा वो उल्टा होएगा। अगला देखते हैं जी, वस्तु किथे है सी तो परे, एफ सी सी तो परे, ये ए बी नूं असीं वस्तु मानते हैं सी तो परे है। तो जदों भी कोई प्रकाश की किरण मुख धुरे दे समानांतर होंदी है सानूं पता ही है कि परावर्तित होके हमेशा प्रिंसिपल फोकस या मुख फोकस तो लंघती है। उस तो बाद जेकर प्रकाश की किरण बिंदु सी तो लंघती है तो परावर्तित होके उसी दिशा विच वापस मुड़ जाती है, तो दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु ते आपस दे विच मिलियां है तो इत्थे बन गई जी प्रतिबिंब। हुण देखो क्या है, प्रतिबिंब किहदे विचकार बनया सी अते एफ दे विचकार, वस्तु दे आकार दा छोटा है उल्टा है। देखते हैं दूजा क्या है, सी तो परे एफ अते सी दे विचकार बनया है जी प्रतिबिंब, छोटा है तो वास्तविक अते उल्टा बनया होया। उस तो बाद अगला है जी सी उत्ते, वस्तु किथे रखी हुई है सी उत्ते, देखते हैं जी मुख दूरी के समानांतर परिवर्तन के बाद मुख फोकस तो पास होएगी, जेकर प्रकाश की किरण मुख फोकस तो पास होती है परिवर्तन तो बाद मुख दूरी के समानांतर होती है, ये बन गया जी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने है सी उत्ते ही है जी, देखो सी उत्ते प्रतिबिंब है, वस्तु दे आकार दा बराबर आकार दा जी, जिन्नी वस्तु है उसी आकार दा प्रतिबिंब है, उल्टा है तो वास्तविक है। और नेक्स्ट है जी वस्तु कितने है जी सी अते एफ दे विचकार, सी अते एफ विचकार वस्तु पई हुई है, नाम ले लो ए बी, पहला निजम मुख दूरी ते समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तित होके मुख फोकस तो पास होएगी जी, दूजा जेकर मुख फोकस तो प्रकाश की किरण लंघती है तो परावर्तित होके समानांतर होंदी है जी, इत्थे जाके दोनों परावर्तित किरण आपस मिलदियां हैं तो इत्थे बन गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तुसी आप ही देख सकते हो
वस्तु का आकार ते प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब इतने वड्डा नजर आ रहा है ते सी ते परे बन रहा है जी। सी तो परे वड्डा है, वास्तविक या ते उल्टा है। अगला है जी, वस्तु रखी हुई है एफ उते, ये पहले केस का बिल्कुल उल्टा जी। एफ ते वस्तु रखी हुई है, पहला निजम मुख दूरी के समानांतर, नेक्स्ट बिंदु है जिसे पोल, जेकर पोल ते प्रकाश की किरण पैंदी है तो पैन तो बाद प्रकाश से परावर्तन के निजम का पालन करती है, ये बहुत दूर जाके मिलनी है आपस दे विच। ते सी तो परे हो गया जी, एफ उत्ते है अनंत ते बनेगी जी प्रतिबिंब, ये वाला केस देख लो तुसी, ये तो उल्टा है बिल्कुल, बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि इतने बहुत छोटा बने हुआ सी, ते वास्तविक उल्टा अते बड़ा बनेगा जी। जेकर वस्तु एफ और पी दे विचकार रखी हुई है तो पहला नियम है प्रकाश की किरण मुख दूरी से समानांतर परावर्तित होने तो बाद मुख फोकस तो लंघेगी। दूजा है प्रकाश की किरण जेकर पोल उत्ते टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित होती है। हुण तुसी देख सकते हैं दो परावर्तित किरण आपस दे विच कदी नहीं मिलनगियां, इहदा मतलब है इस पासे तक प्रतिबिंब नहीं बनना है, तो इसनों असी रीट्रेस करते हैं। तो ये पर्दे दे पीछे जाके एक बिंदु ते आपस दे विच मिलदियां हुई प्रतीत नजर आती है, इसका मतलब है जिहड़ी प्रतिबिंब की स्थिति है वह दर्पण के पिछे वड्डे आकार की है। आप देखो आभासी अते सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, जेकर आभासी है तो हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इस तो बाद अवतल दर्पण के उपयोग, मतलब अवतल दर्पण को कित्थे कित्थे इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल दर्पण की वरतों टॉर्चा सर्च लाइटा वाहन की हैडलाइटा च इहदा इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हां दी लाइट नूं एक जगह ते इकट्ठा करके उहदी पावर नूं वधाया जा सके। अवतल दर्पण की वरतों सेविंग दर्पण अते दंदां दे डॉक्टरां द्वारा कीती जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, जिस तरह असीं अवतल दर्पण च देखिया छे किस्म के प्रतिबिंब जिहड़ा है अलग अलग बिंदुओं से बनते हैं, परंतु उत्तल दर्पण के एको ही किस्म का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। चाहे वस्तु की स्थिति जिहड़ी मर्जी होए, जिथे मर्जी होए, अनंत ते होए या दर्पण के कोल होए, यह हमेशा आभासी अते छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। तो जिहड़ा उत्तल दर्पण है इहदा उपयोग वाहनों की आवाजाही लई पिछे देखने वास्ते वरत जाने वाले दर्पण विच कीती जाती है। इस तों बाद है जी गोलाकार दर्पण द्वारा परिवर्तन लई चिन्ह परंपरा, मतलब साइन कन्वेंशन, इहनूं करन तों पहला कुछ चिन्हां बारे तुसीं जान लो। यू दी वरतों असीं वस्तु दी पी तों दूरी लई करदे हां, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। वी मतलब प्रतिबिंब दी पी तों दूरी, एफ पता ही फोकस दूरी है, एच इत्थे वस्तु की ऊंचाई है कि वस्तु किस ऊंचाई का है, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एम इत्थे वड दर्शन है जी। तो इहदा पहला निजम है कि जिहड़ा भी असीं चिन्ह की वरतों करनी है या यू की दूरी पता करनी है, वी की दूरी पता करनी है, वह सारी दूरियां का मुख दूरा जिहड़ा है वह पी है, सारी दूरियां पी तो शुरू होएगी। देखो जी जेकर असी पी दे खब्बे पासे दी दूरी, चाहे वह यू है या जो भी वी है,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ। ਜੇਕਰ P ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ P ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉੱਚਾਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ H ਡੈਸ਼, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ।